गड़बड़ है, ख्याल दिन में गड़बड़ है। ये देख लो यार, मैं आपको दीमकें दिखाई थी, आज दीमक के दरख्त दिखा रहा हूँ। एक था ये, दूसरा एक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स हुई हुई है, वो लूज है, मतलब कोई भी ले जा सकता है आराम से। आए ये छत थी ये सारी पॉलिस्टर की या फोर सीलिंग की छत थी? बात ये है कि तोड़ना शुरू किया है, देख रहे हैं? तोड़ना शुरू किया है तो यहीं से बस बाहर बाहर से तोड़ना शुरू किया, कोई भी दीवार मुकम्मल नहीं तोड़ी है। वो देखें, एक खड्डा तोड़ना शुरू किया, छोड़ दिया। वो कामरान भाई आपके पीछे, वो भी छोड़ दिया। ये देखें, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, कोई इन्होंने मुकम्मल नहीं तोड़ा कुछ भी। बड़ी 4 एकड़ इन्होंने बेची है, उसके बाद से वहाँ देखे आप सब्जा कैसा हो गया, वहाँ तैयारी है, तैयारी। और ये बयाबान है, कोई तो गलती है ना? कोई बिल्कुल तो बिल्कुल सही, मकसद लोग कोई आना चाह रहा है इसको आबाद करना, या तो कुछ ना कुछ मसाइल बन जाते हैं उसके साथ, या कोई ऐसी वजह बन जाती है तो उसकी फिर। हालांकि मेरी अपनी जो है ना इससे मालिक से हुई है, मैंने बोला कि मुझे इस बोर इसका है पानी का, मैंने सोलर पे कर दो, मैं यहाँ पर पपीता लगाता हूँ मेरा, क्योंकि बराबर में पपीते लगे हुए हैं। मैंने बोला मेरी सीज़न लास्ट में जा रही है कि मुझे ये दे दें आप, करवा दें। कल मेरी मुलाकात हुई, परसों, इसको पहले भी मैं बोलता रहा, और कुदरती बात है मैं यहाँ आता हूँ, मेरा फिर दिल जो है ना अजीब सा हो जाता है, उस जहन जो है ना चेंज हो जाते हैं। हाँ, ना करें मकसद इस चीज़ में, या तो मैंने बोला हट के बोर करें इस पानी के, वो बोर को सोचते हैं ना यार, कल इसमें बोर में काम करना शुरू करें या कुछ इसका एस्टीमेट किसी से लगवाएं, फिर कोई ना कोई मसले या ऐसे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार छोड़ो यार, रहने दो, दिल टूट जाती है बंदे की। आप बता रहे जगह भारी है? जी जगह भारी है। अच्छा, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपके दादा जी, वाले साहब जी, आप लोग, यार किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने इस चीज को, क्योंकि जगह पर आई है, ये है बाहर की शहर के लोग हैं, इनके माइंड सेट कोई अलग है, कोई अगर इनको बोले तो इनके जहन में ये चीज़ नहीं है, वो करते हैं, गौर नहीं करते किसी के ऊपर। ठीक है साहब, वो बहुत से लोग होते हैं ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, नहीं मानते, ये सेठ भी नहीं मानता इस चीज़ को। हाँ। कुछ नहीं, आप लोग डर रहे, ये वो इस तरह की जो ना दबा देता है वो, जहाँ जो काम करने वाला बेचारा वो तो उनको ये तो नज़र आना चाहिए ना कि आसपास जो जगह इन्होंने बेच दी है वो तो काफ़ी सरसब्ज हो गई है। सरसब्ज हो गई, अभी यहाँ यहाँ पर दुश्वारी है इसको आ रही है। आप बकौल आपके कि वहाँ फैमिली भी आके रह रही है? फैमिली रह रही है। अब मान रहे हैं, अब मान रहे हैं, वो लोग भी मान रहे हैं, तो हम क्या वजह समझें कि कुआं यहाँ पर इस जगह करीब है, इसकी वजह से मसाइल हैं, दरख्त काटने की वजह से मसाइल हैं, या इसी जगह पर कोई ऐसी गलती हुई है? क्या होगा अगर हम जाएंगे यहाँ पर मगरिब के बाद या रात में, तो क्या होगा सर? आवाज़ आ रही है, ये तो बकरे की या बच्चे की, ये वहाँ फैमिली वहाँ बैठी वहाँ पर उनके है अभी तो 3 बजे सर जी, रात को, रात को 1-2 बजे के बाद ये सीन है, 8-9 बजे ये सीन नहीं है। जो बंदा यहाँ पर सोएगा ना उसको तंग करेगी,
जो सोने वाले यहाँ लेबर भी थी यहाँ काफ़ी, उन लेबरों में कभी क्या मसला है, कभी वो देखे अभी गेट के पास कोई बकरा आ रहा है, बकरे की शिकल में नींद से उठा बकरा, आधी रात को 3:30 बजे कोई बकरे की आवाज़, बकरा नज़र आ गया किसी को, एक को, फिर दूसरे को उठाया यार वो बकरा खड़ा है यार, जब उसको उठाया वो नहीं है, ये तो गायब हो गया बकरा, इतना बड़ा बकरा आ गया कहाँ से आ गया, इस तरह की हैं गायब कैसे हो गया। तो लोगों को वहम शुरू हो गए भाई ये तो यहाँ तो मसला है, छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ जिस तरह की हुई, जैसे भैंसों की आवाज़ आ रही है, जैसे और मुख्तलफ ऐसे कोई कोई ऐसे जानवरों की आवाज़ है जैसे गीदड़ हुआ, भेड़िया हुआ, इस तरह की आवाज़ है, हालांकि वो चीज़ है नहीं यहाँ पर, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और आप कह रहे हैं आवाज़ ऐसी अंदर आती जैसे कोई भैंस अंदर घुस गई, घुस गई है इसके अंदर, जैसे भैंस बंद है अंदर से, इतनी खतरनाक आवाज़, ये तो गेट सारे बंद है ना, इसके अंदर भैंस आई कहाँ से, अचानक एकदम जब गेट गेट को खोला, खोल के लोग हिम्मत करके देखें तो अंदर तो यार वो तो चीज़ है नहीं, भैंस की अभी आवाज़ आ रही थी, वो कसम उठा रहा है, ये कसम उठा यार, ये क्या है, हम क्या झूठ बोल रहे थे यार, उसको फिलाने को बुला लो। जहाँ तक बिस्तरों की बात है ना, कुत्ते वगैरह जो अक्सर बिस्तर खींचते हैं हाँ, लेकिन वो इशू नहीं है, वो इशू कुत्तों का ही वो इशू नहीं है, वो अलग चीज़ है, कुत्ते भी इस तरह में, हम लोग रात को सोते हैं फार्मों में, सर जी कुत्ते आएंगे ना जो अंदर वॉशरूम पे जो गया हुआ ना अंदर वॉशरूम पे, फिर मतलब गिरा दे दिया बिस्तर। अच्छा, इतनी देर में कोई कुत्ता है नहीं, आदमी तो नहीं होता होगा ना, जी, जी, चार आदमी सो रहे हैं उसके बीच में किसी ने जाते ना सारे, मेरी चारपाई कैसे कल्टी हो गई, घुमान हो जाते ना फिर तंग कर दिया।